इंस्टेंट डेटा है, इसको हाँ इनिशियलाइज कर लिया है इसी में, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये इनिट ब्लॉक दो कहाँ है? इनिट ब्लॉक ठीक है, देख लिया। इनिट ब्लॉक कहाँ है? ये इनिट ब्लॉक है, इनिट ब्लॉक वन बस एक ही इनिट ब्लॉक है। हाँ नहीं और है ये स्टैटिक ब्लॉक है, ये इनिट ब्लॉक टू है, ये इनिट ब्लॉक थ्री है। रवि अपने तरफ से म्यूट कर लो, एक लोग को बोलने दो। सर तीन इनिट ब्लॉक हैं और तीन स्टैटिक ब्लॉक हैं और तीन कंस्ट्रक्टर हैं, और ये है वो हेलो, मेन मेन के अंदर इनिट ब्लॉक नॉर्मल स्टेटमेंट के तरीके चलते हैं। सर दिखाओ, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा यूनिट ब्लॉक सबसे पहले क्या चलेगा अगर सब कुछ बन गया है तो? कौन बोल रहा है? सबसे रवि से बोल रहा पहले हूँ, सर चले रवि तो, रवि म्यूट कर लो। सर सबसे पहले चलेगा स्टैटिक ब्लॉक, हाँ ये वाला, ये वाला, सर, मैंने रेड मेल कर दिए थे। ये वाला स्टैटिक अरे ब्लॉक यार चलेगा, क्यों इसमें बोल से रहे हो ये भाई बीच में? हाँ सबसे पहले स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक चल रहा है। फिर इसमें का ये डेटा कॉल होगा, हाँ और उसके बाद तो फिर ये तीन स्टैटिक चलेगा, ब्लॉक बनाए तो कौन सा पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा? ये पहला वाला जो सबसे सर पहले लिखा है अभी उसको सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा रवि को। रवि, हम लोगों की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? दिख रही है सर, अब सबको बताओ, सब लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस ठीक है सर। सर सबसे पहले ये वाला स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, और इससे ये स्टैटिक डेटा है, और ये स्टैटिक डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये स्टैटिक डेटा मेंट किया है मैंने, उसके बाद ये चलेगा स्टैटिक ब्लॉक वन, उसके बाद टेस्ट कॉल हो जाएगा, ये बिना पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा आ जाएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद लिखा आएगा पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सिंगल पैरामीटराइज वाला, सिंगल पैरामीटराइज वाला कॉल हो जाएगा, तो एक्स लिख के आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है 19, 19 लिख के आ जाएगा, उसके बाद फिर ये डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये कॉल हो जाएगा 15 और 24, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये लिख के आ जाएगा, फिर आएगा सेकंड स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक लिख के आएगा, फिर दोनों डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ये चलेगा, फिर ये आएगा, इसमें ठीक है, चला के प्रिंट दिखाओ करेगा, जरा। देव अपने साइड से रिकॉर्डिंग लगा लो या कोई लगा ले। हेलो, स्टैटिक ब्लॉक चला, ये पहला स्टैटिक ब्लॉक चला, यहाँ पहले 15 ये इनिशियलाइज हो गया वैल्यू, और उसके बाद ये आया फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक लिख के, उसके बाद पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया, कहाँ लिख के आ गए तुम लोग? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के चलते ही तीनों इनिट ब्लॉक चल गया सर, ये तीन इनिट ब्लॉक नीचे बनाना है वो देखा ही नहीं, तीन यूनिट ब्लॉक चल रही है, इसके पहले आ गया यूनिट ब्लॉक, ये स्टैटिक है, ये यूनिट है, और कहाँ यूनिट, ये पहला आया फर्स्ट यूनिट ब्लॉक, फिर आया सेकंड
सेकेंड यूनिट ब्लॉक, फिर आया थर्ड यूनिट ब्लॉक, उसके बाद फिर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया ये यहाँ पे। फिर ये आया स्टैटिक ब्लॉक वन में, फिर आया नीचे, फिर चला याला पैरामीटराइज वाला ये कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के चलते ही तीनों यूनिट ब्लॉक फिर से चल गए सर। फिर 3x8 ब्लॉक लिख के आया, उसके बाद इसके अंदर आया एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी 20, फिर 20 आया लिख के। फिर उसके बाद फिर ये चला डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, ये एक्स और वाई की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी है, 15 और 24। ये वो हुआ, उसके पहले चला तीनों यूनिट ब्लॉक, वो चल गए तीनों यूनिट ब्लॉक, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ये 15 24। उसके बाद फिर सर ये आया, फिर आया दूसरा स्टैटिक ब्लॉक की बारी, तो इसने स्टैटिक ब्लॉक पहले ये चला। बताओ इन लोगों को समझ में आ रहा है, देखें पहले आप लोग बताओ सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ जी सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर। भाई सबको का मतलब होता है कि सब लोग, जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, केवल नीतीश नहीं, सबको। अगर नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं एक एक करके नहीं पूछूंगा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पूछो एक बार, पूछो चार बार पूछो, बाकी लोग क्लास में नहीं है। हेलो हेलो, रवि नहीं है, निशांत और राहुल। कल के सेशन में हम लोगों ने स्टैटिक ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था कि स्टैटिक ब्लॉक ऐसे ऐसे चलता है। इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे देखिए कि हमने एक क्लास बनाया है, कंसेप्टर बनाया है, ठीक है, इनिट ब्लॉक भी बनाया है, स्टैटिक ब्लॉक भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, किस तरह से प्रोग्राम चलेगा, ये हमें जानना है। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर प्रोग्राम के अंदर इनिट ब्लॉक भी हो, कंस्ट्रक्टर भी हो, है ना, स्टैटिक ब्लॉक भी हो, मेन मेथड भी हो, तो प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलेगा? सबसे पहले प्रोग्राम में क्या चलेगा, हैं? यहाँ स्टैटिक इस प्रोग्राम को देख के सबसे पहले क्या चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि वो क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है। सही बात है, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। इसमें से कौन सा स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेगा, ये देव बताएंगे। देव बताओ कौन सा स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेगा अगर इतने। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये पहले स्टैटिक ब्लॉक आ गया, तो ये पहले चलेगा, इसकी ये लाइन पहले चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको सबसे पहले दिखेगा, लेकिन यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट के बनते ही क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और हर कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले क्या चलते हैं, इनिट चलते हैं, तो सारे इनिट चल जाएंगे, समझे। तो सबसे पहले आउटपुट ये आएगा, फिर इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सारे इनिट चल जाएंगे, फिर कंसेडर चलेगा, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सारे इनिट चल जाएंगे, देन कंसेडर चलेगा, फिर इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सारे इनिट चल जाएंगे, देन कंसेडर चलेगा। इस तरह से ये तीन हमारे इतने हो गए ऑब्जेक्ट स्टैटिक, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टैटिक ब्लॉक चलेगा बिल्कुल उसी तरह से। फिर तीसरा स्टैटिक ब्लॉक में अगर यहीं पे सिस्टम डॉट एग्जिट मार देंगे तो फिर मेन पे प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर एग्जिट नहीं मारा है तो तीनों स्टैटिक ब्लॉक चलने के बाद फिर कहानी मेन पे आएगी। कहाँ पे आएगा, मेन, और मेन में जो कुछ भी लिखा है वो लाइन बाय लाइन चलना शुरू होगा। पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब
मेन का पहला स्टेटमेंट चलेगा, देन इस ऑब्जेक्ट के चलते ही सारा इनिट चलेगा, फिर कंसिडर चलेगा, इनिट चलेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये प्रोग्राम पूरे पूरे प्रोग्राम का फ्लो होगा। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि इस प्रोग्राम को लिख के और आउटपुट बताओ तो बता दोगे? देख लो ध्यान से। यस सर। अब एक काम करता हूं ना, आपको ये प्रोग्राम उठा के फाइल में शेयर कर देता हूं और मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट आप निकाल के दिखाओ, अपने कंप्यूटर से नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है? ड्राई रन करके दिखाइए। निकालिए। सेंड कर दिया, मिल गया आप लोगों को। निकालिए आउटपुट, दिखाइए उसका, बताइए क्या आया। मिल गया सबको? कि मैं नहीं हूं और इन लोगों को अच्छे से समझाना है, ठीक है? ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लिया करो, ये सब क्या अलतू फालतू चीज दिखती है, बड़ा कर लो प्रोग्राम को साथ। अरे सर, ये अगल बगल खोल ले रहा हूँ दोनों। हाँ, सबसे पहले जब क्लास लोड होगी तो स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, ठीक है? तो स्टैटिक ब्लॉक तो इसमें तीन तीन है, स्टैटिक ब्लॉक तीन है तो सबसे पहले जो सबसे पहला लिखा गया होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, वो चलेगा। तो सबसे पहले ये चलेगा। इसमें int y equal to 15 लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, डेटा इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद ये लिख के आएगा स्टैटिक ब्लॉक 1। स्टैटिक ब्लॉक ब्लॉक 1। उसके बाद चलेगा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे लिख के आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे मैंने बना रखे हैं ये क्या नाम है, इनिट ब्लॉक। तो किसी भी स्टैटिक उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले ये चलते हैं इनिट ब्लॉक। तो इनिट ब्लॉक मैंने तीन बना रखे हैं, ये सबसे ऊपर बनाया है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये भी उसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में चलेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, इससे पहले ये इनिट ब्लॉक 1। उसके बाद आएगा इनिट ब्लॉक 2। उसके बाद आएगा इनिट ब्लॉक 3। उसके बाद आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद चलेगा फिर ये पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, ये मैंने बना रखा है यहाँ ये। तो इसमें प्रिंट हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू है 19, तो x की वैल्यू है 19 हाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये चलेगा पहले, जब ये होगा तो दोबारा पैरामीटराइज वाला ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, उससे पहले कॉल होगा ये इनिट ब्लॉक, ये यहाँ से शुरुआत होगी इनिट ब्लॉक 1, इनिट ब्लॉक 1, इनिट ब्लॉक 1, 2, 3, फिर उससे पहले यही तीन चल जाएंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आएगी 19, x की वैल्यू मैंने दे रखी है 19, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर चलेगा डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, तो इसके में है x और y की वैल्यू। पहले ये पूछ लो, इतना समझ में आ गया इन लोगों को? ये समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज होता है ना, पूरा बता लोगे तो फिर बोलेंगे हाँ। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बीच में ही रोकना, बीच में ही टोकना। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये तो समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले चलता है, मेन से भी पहले चलता है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक चलता है पहले, तो वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक चला, तो स्टैटिक ब्लॉक की पहली लाइन लिखी थी स्टैटिक ब्लॉक 1,
तो स्टैटिक ब्लॉक वन आया, उसके बाद पैरामीटर ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर से पहले चलता है इनिट ब्लॉक, ये पता है। तो मैंने तीन इनिट ब्लॉक बना रखे हैं, तो 1 2 3 तीनों चल जाएंगे, और उसके बाद चलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद आएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैं कॉल करूँगा उससे पहले फिर तीनों इनिट ब्लॉक चल जाएंगे, और उसके बाद उसमें है 20 वैल्यू पास कर रखी मैंने, यहाँ आ जाएगा 20, और उसके बाद फिर मैंने डबल पैरामीटराइज वो डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो उससे भी पहले ये तीनों चल जाएंगे इनिट ब्लॉक, ये तीन इनिट ब्लॉक चलेंगे, और उसके बाद जो पैरामीटराइज में मैंने वैल्यू पास कर रखी है 15 और 24, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर चलेगा दूसरा स्टैटिक ब्लॉक, तो यहाँ पे आएगा स्टैटिक ब्लॉक 2, इसके नीचे स्टैटिक ब्लॉक 2, उसके बाद चलेगा डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, ये रहा। तो इसमें वैल्यू मैंने क्या पास कर रखी है, यहाँ से 6 और 5, 6 5, उसके बाद चलेगा सिंगल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, उससे पहले चल जाएंगे ये, जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इससे पहले ये भी तो चलेंगे इनिट ब्लॉक 1 2 3, उसके बाद ये आउटपुट आएगा, उसके बाद फिर चलेगा सिंगल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, तो सिंगल पैरामीटराइज वाले में 21 मैंने पास किया है, तो उससे भी पहले चलेंगे ये, उसके बाद आएगा 21, उसके बाद मैंने पास किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो उससे भी पहले चलेंगे ये, उससे भी पहले चलेंगे ये, उसके बाद आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर,